So, we have understood the example of school, and now keeping that thing in your mind, you have to understand what is government. You tell me, is it possible for a person to manage all the affairs or to handle the whole country? Because a country needs to be protected, it needs to maintain law and order.

नेजिग ऑल द अफेयर्स हु इज रनिंग दिस कंट्री ओके यहां पर किसी भी एक कंट्री में बहुत सारे अफेयर्स या बहुत सारे मैटर्स होते हैं बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनपे डिसीजन लेने होते हैं और कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए इन डिसीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओके हु इज रिस्पॉन्सिबल There's a group of people. And that group of people is a part of our government who is managing the affairs, who is taking decisions for the benefit of our country. Hamari country benefit decisions And that's why our country is running very smoothly. Now COVID 19 entered. When COVID 19 entered, suddenly we were in lockdown who took that decision definitely government took that decision so that they can contaminate this disease okay they can contain this disease because it was necessary otherwise people would have died in a large number okay so देर नीड्स अ ग्रूप ऑफ पीपल टू रन द कंट्री जिस तरह से स्कूल में एक मैनेजमेंट मेम्बो और एक प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट एक स्कूल की जितने भी अफेयर्स हैं जितने भी मैटर्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाए स्कूल अच्छे से रन करे ठीक उसी तरह से एक कंट्री में एक ग्रुप ऑफ पीपल की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो उस कंट्री के सभी मैटर्स को रिजॉल्व करें उस कंट्री के लिए जो भी बेनिफिशियल डिसीजंस लेने हैं वो उस डिसीजंस को लें नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गवर्नमेंट एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू यू कैन आस्क मी नाउ विल मूव टूअर्ड्स फंक्शन ऑफ़ द गवर्नमेंट ओके अब हम गवर्नमेंट के फंक्शन की तरफ मूव करते हैं हम ये समझते हैं कि उनके फंक्शंस क्या है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं What do they do? What are their responsibilities? Now we have understood what is government. Now let's take a look on its responsibility. So, government builds, government builds roads, hospitals, educational institution, park, and they also supply water and electricity. लाइक like, आप भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है आपके आ, आ, ये लोकेलिटी में कई लोगों के घर में सप्लाई वाटर होते हैं इससे सप्लाई करने का काम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दे बिल्ड रोड्स पार्क्स, म्यूजियम्स, बिल्डिंग्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सभी इन ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन करवाते कौन है गवर्नमेंट ये जो रोड्स एनएच देखते हैं नेशनल हाईवे देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं आई एम नॉट गवर्नमेंट

वॉटर एंड एलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई या प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को दिस वॉज द फर्स्ट एंड देर आर मेनी अदर बर्निंग इशूज ओके बहुत सारी बर्निंग इशूज होती है एक कंट्री में यहाँ की सोसाइटी में बहुत सारे एवल्स होते हैं दे एलिमिनेट दो प्रॉपर डिसीजन बाई टेकिंग डिसीजन विच has to be taken earlier poverty garibi unemployment berozgari okay discrimination bhedbhav in sabhi matters pe decisions lena law banana strict law banana it is the responsibility of government okay to remove to eradicate poverty they come up with different policies to improve द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पुअर सो गरीबी हटाने के लिए गरीबी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कई पॉलिसीज के साथ अपने अलग अलग स्कीम के साथ आती हैं और इसलिए वो आती हैं ताकि जो गरीब हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो न, अ, अ, मनी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकालती हैं ओके एंड दे टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इफ समवन इज गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड, अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसके अगेंस्ट uh, वो एक अच्छी सी लॉ या स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट करते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं उस मैटर पे और फिर जाकर एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओके और दे ऑल्सो इंश्योर हाउ कैन वी गिव गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन टू द पीपल क्योंकि हम वी दीपल आर देअर वेल्थ ओके आर वेल्थ ऑफ आर कंट्री हम अपनी कंट्री के लिए एक एसेट हैं ओके वी आर एसेट फॉर आर कंट्री वी आर लाइबिलिटी फॉर आर कंट्री इसका मतलब क्या होता है कल को जाकर कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियर्स बनेंगे कुछ टीचर्स बनेंगे कुछ पायलट्स बनेंगे सो so, वी जो ह्यूमन पावर है दे वी आर द वेल्थ ऑफ आर कंट्री हम अपनी कंट्री को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाई डूइंग सम गुड जॉब लाइक डॉक्टर्स इंजीनियर्स टीचर्स एवरी अदर ऑक्यूपेशन जो भी ऑक्यूपेशन आज लोग कर रहे हैं लोगों को लगता है कि सिर्फ वो अपने लिए कर रहे हैं येस दे आर डूइंग दैट फॉर देम सेल्व बट ऑल्सो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेशंस डेवलपमेंट हर वो इंसान जो आज एक छोटा से छोट छोटी से छोटी काम भी कर रहा है चाहे वो एक uh, रिक्शा पुलर क्यों ना हो या फिर uh, एक मिशन क्यों ना हो या एक डॉक्टर क्यों ना हो एक टीचर क्यों ना हो एवरी वन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेशंस डेवलपमेंट ओके जो भी पैसे अर्न कर रहे हैं जो भी कोई काम कर रहे हैं वो नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओके okay. सो so, हमारी एजुकेशन uh, हमारी हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करना कि वो अच्छी लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाउ नाउलो दे रन डिफरेंट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जैसे आप आ, बस सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हो द बस सर्विसेज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच वी आर यूजिंग लाइक बसेज रेल ओके दे आर वॉट दे आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड दीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर हैंडल्ड बाई द गवर्नमेंट ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है करवाई जा रही हैं हमें वो गवर्मेंट हमें प्रोवाइड करवाते हैं ओके एंड ऑल्सो ट ऑफ आर सेफ्टी हमारी सेफ्टी हमारी सुरक्षा का ध्यान रखना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओके फॉर दैट वी हैव पुलिस मैन ओके पेट्रोलिंग कारफ्टी के लिए पुलिस मैन uh, को क्या किया गया है अपॉइंट किया गया है एंड दे आर ऑल्सो देअर फॉर मेनटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह आप देखते होंगे कई बार प्रोसेशंस निकलते हैं तो प्रोसेशंस में लोग आ, एंगर में कई बार झगड़े करते हैं होते हैं उन कंफ्लिक को रोकने के लिए उन गन्फिलिक्ट्स, वो गन्फिलिक्ट्स हो ना इसलिए वहां पर पुलिस मैन को क्या किया जाता है ड्यूटी दी जाती है दे आर बीइंग अपॉइंटेड देयर टू मेनटेन लॉ एंड ऑर्डर दे आर देयर टू मेनटेन पीस ओके सो पुलिस मैन आर देयर कोई कानून के दायरे से में रहकर ही किसी काम को किया जाए ये इस बात का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ कोई भी झगड़ों को रिजॉल्व करना या कोई भी झगड़े ना हो ये बात की श्योरिटी उनके पास होती है ओके दैट्स वाई इफ देर इज क्राउड इन अगर कहीं भी कोई रैलीज हो रही हैं कहीं भी कोई प्रोसेस हो रहे हैं और कहीं भी अगर मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक है तो वहाँ पर पुलिस मैन को रखा जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे क्योंकि मैनी टाइम्स पीपल डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी इन एंगर कई बार क्या होता है लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को बसेस को या फिर आ, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं कार्स होते हैं इनमें तोड़ फोड़ करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड दे अपॉइंट और दे कीप दैम इन ड्यूटी फॉर दो टाइम्स ओके उन समय के लिए पुलिस मैन को वहाँ रखा जाता है एंड ऑल्सो नॉट फॉर ओनली दिस रॉबरी हो गई थेफ्ट हो गए अगर डकैती हो गई या कहीं चोरी हो गई मर्डर्स हो गए इन सभी के लिए उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए भी वी हैव पुलिस मैन ओके एंड ऑल्सो दे मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री की सिक्योरिटी इज़ द फोर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर गवर्नमेंट हमारी कंट्री सिक्योर रहे हमारी कंट्री प्रोटेक्टेड रहे सुरक्षित रहे इस बात का ध्यान वो रखते हैं बाय अपॉइंटिंग डिफरेंट आर्मी ऑफिशियल्स इन डिफरेंट लाइक सी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बी बीएसएफ ओके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनमें वो क्या करते हैं आर्म सिक्योरिटी आर्म सिक्योरिटी डेट मींस जिनके पास कोई वेपन्स होते हैं या फिर वो विदाउट वेपन्स भी क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे रहकर वो हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं सो दैट कि कोई बॉर्डर से कोई भी Uh, क्या बोल सकते हैं स्पाई जासूस या कुछ भी इस तरह का हमारे कंट्री में एंटर करके हमारे कंट्री के पीस को डिस्ट्रॉय uh, ना कर सके सो फॉर दैट वी हैव आर्म फोर्सेस नाउ द लास्ट वन इज दे ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ फंडस और दे ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिज़ास्टर्स कई बार क्या होते हैं नैचुरल डिजास्टर्स हो जाती हैं अभी हाल में ही रिसेंटली फ्यू मंथ गो उड़ीसा उड़ीसा वेस्ट बंगाल यहाँ पर साइक्लोन ने हिट किया था ओके कोस्टल एरियाज़ में साइक्लोन ने हिट किया था एंड इन वेस्ट बंगाल बेंगाल वॉज डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी बहुत ज़्यादा uh, कुछ uh, बर्बाद हो चुका था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है या जितने भी लोगों को कोई भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो सके ओके जैसे ही वार्निंग आई कि साइक्लोन हिट करने वाली है लोगों को वहां से इवैकुएट किया गया लोगों को वहाँ से हटाया गया दूर किसी जगह में ले जाकर रखा गया और फिर भी अगर कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके लिए रिलीफ का, का, का काम उन्हें लोगों तक खाना पहुँचाना या फिर लोगों को फिर से उनके सेटलमेंट्स में वापस लेकर जाना ये सभी काम कौन करती हैं गवर्नमेंट करती हैं चाहे वो अर्थ नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं अर्थ फ्लड्स ओके साइक्लोन्स tsunamis like this okay so they provide relief uh, to the people now and also they needs some fund they need some fund to

ओके okay. सो so, वो क्या करते हैं दे कलेक्ट टैक्सेस फॉर इट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए या पार्क्स हो गए म्यूजियम्स हो गए जो चाहे पुलिस मैन को जो सैलरी दी जाती है या आर्म पोस्ट में जितने भी वेपन्स मंगवाए जाते हैं उनको सैलरी दी जाती है पोस्टल सर्विसेज में जो भी लोग काम कर रहे हैं सो so, इन सभी चीजों को मैनेज किया जाता है हमारी सैलरी से ओके okay? नॉट so, uh, हमारे टैक्सेस से वी पे देम वी पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम बहुत बार डायरेक्टली uh, टैक्स देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स तो हम हमेशा देते ही है लाइक अगर आप uh, कोई भी सामान खरीद लो आप उसके अगर इंग्रेडिएंट्स के नीचे अगर कहीं देखोगे देन आपको ये दिखाएगा आई एन सी एल आई एन सी एल ऑफ ऑल टैक्सेस इसका मतलब क्या होता है इंक्लूडेड मतलब आप एक रुपए का भी ले रहे हो ना एक रुपए के कोई भी सामान ले रहे हो तो उसमें भी टैक्स लग रहा है ओके दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स हमें बता नहीं आ, कहा जा रहा है कि आप टैक्स दे रहे हो तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स ओके और बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं लाइक होल्डिंग टैक्स ओके हाउस टैक्स इस तरह से सो so, uh,

इन एक्सचेंज ऑफ टैक्सेस हम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर आफ्टर दे आर प्रोवाइडिंग एज दि फैसिलिटीज ओके अंडरस्टेंड सो जो भी आ, जिन जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे फंड से या हमारे टैक्सेस से रेज की गई हैं जैसे रोड्स हो गए जैसे पार्कस हो गए जैसे रेलवेज हो गए जैसे बस सर्विसेज हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए जो भी गवर्नमेंट हमारे पैसों या हमारे मतलब जो वहाँ की सिटीज़न हैं उनके टैक्सेस से बनाती हैं वो क्या होती हैं सभी लोगों की होती हैं ओके इट बिलोंग्स टू एवरी पीपल कोई जाकर कल जाकर ये नहीं कह सकता है ये रोड मेरा है ओके okay? कोई कल को जाकर ये नहीं कह सकता है कि ये पार्क जो है ये मेरे टैक्स से बनाया है ओके इट वॉज़ इट इज़ बींग बिल्ड बाई द टैक्सेज कलेक्टेड बाई ऑल द पीपल ठीक है सो so, वो एक क्या होती है वो एक पब्लिक यूज़ के लिए होती है इसलिए हम उसे कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी सभी लोग उसे यूज़ कर सकते हैं वाई क्योंकि सभी लोगों ने टैक्स दिया है और गवर्नमेंट ने उसी टैक्स uh, को यूज करके उस पार्क को या उस uh, रोड्स को बनाया है ओके सो दैट्स वाई वीड वाई शुड वी पे द गवर्नमेंट आई होप यू अंडरस्टूड वाई शुड वी पे द गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत क्यों है बिकॉज फ्रॉम वेयर विल गवर्नमेंट गिव के लिए बसेस के लिए रेलवे के लिए पार्क के लिए म्यूजियम्स के लिए आर्म फोर्सेज के वेपन्स के लिए ओके सो दीज ऑल आर मैनेज बाय आर फंड द टैक्सेस विच वी पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ओके